इधर पुणे पोर्श कार मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम ने ब्लड सैंपल बदले जाने से जुड़े मामले में जो दावा किया उसने सबको हैरानी में डाल दिया। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद ससून अस्पताल के डॉक्टरों ने आरोपी नाबालिग के ब्लड सैंपल को उसी की मां के ब्लड सैंपल से बदल दिया था। मतलब जांच के लिए जाना था आरोपी नाबालिग का सैंपल, लेकिन डॉक्टरों ने उस सैंपल के बजाय आरोपी की मां शिवानी अग्रवाल का ब्लड सैंपल जांच के लिए आगे बढ़ा दिया था। पुणे क्राइम ब्रांच के मुताबिक पूछताछ के दौरान डॉक्टरों ने दावा किया कि आरोपी नाबालिग का ब्लड सैंपल लेने के बाद तीन और लोगों ने उनका सैंपल लेने का दबाव बनाया था। इन लोगों में आरोपी नाबालिग की मां शिवानी अग्रवाल भी शामिल थी। डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि उस वक्त अस्पताल में मौजूद उन्हीं लोगों ने आरोपी नाबालिग का ब्लड बदलने के लिए दबाव बनाया। और न्यूज 18 को इस जांच रिपोर्ट की जो कॉपी मिली उसमें ये दावा किया गया कि आरोपी नाबालिग का ब्लड सैंपल उसकी मां शिवानी अग्रवाल के सैंपल से बदला गया था। हालांकि इस मामले में तीन दिन पहले ससून अस्पताल के दो डॉक्टर और एक वार्ड बॉय को गिरफ्तार कर लिया गया था। और सूत्रों ने दावा किया कि अब पुणे क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी नाबालिग की मां शिवानी अग्रवाल की तलाश में जुट गई।